नमस्कार किसान साथियों, मैं विश्वास चौधरी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल विश्वास चौधरी फार्मिंग। किसान साथियों देखियो, गेहूं कटाई का सीजन जोर तोरों से चल रहा है दोस्तों। कहीं कहीं मजदूरों की काफ़ी समस्या है, मजदूर नहीं मिल पाते हैं दोस्तों। अभी जहां मैं हूं इस समय, यहां मजदूरों की काफ़ी दिक्कत थी। तो दोस्तों मेरी नज़र अभी बिल्कुल गुजरते हुए एक जो रीपर वाइंडर आता है गेहूं कटाई के लिए उस पर पड़ी। दिखा दें दोस्तों रीपर वाइंडर किस तरह से काम कर रहा है। साथियों आपको दिखा दें हम रीपर वाइंडर, देखिए पंजाब से आया हुआ है, किस तरह से काम करता है दोस्तों। देखिए कटाई तो करेगा, साथ ही साथ दोस्तों बंडल भी बांध के देगा। जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इसके ब्लेड हैं जहाँ से ये कटिंग करता है। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये खुरपी टाइप, इनसे दोस्तों ये गेहूं के लाख को इकट्ठा करके, और आप देख सकते हैं दोस्तों ये इसका धागा है, इस धागे से यहाँ पर ये पुली को बांध देता है। दोस्तों मैं पुली दिखा देता हूँ आपको बिल्कुल करीब से, किस तरह से पुली टाइट करके बांधी हुई है। ये देखिए दोस्तों, ये जो पुली है बिल्कुल टाइट बंधी हुई है, आप जैसा देख रहे हैं दोस्तों। और जैसे मजदूर दोस्तों हाथ से कटाई होती है, मजदूर जिस तरह से काटते हैं उसी तरह से लगभग ये आपको कटिंग करके मशीन देगी। देखिए थोड़ा ऊंचा हो सकता है, आधा इंच के करीब मजदूरों में और मशीन में अंतर हो सकता है। लेकिन दोस्तों जब मजदूरों की समस्या पैदा हो चुकी है, मजदूर मिलता नहीं है, तो किसान क्या करे। इसलिए सबसे अच्छा जुगाड़ किसान के लिए रीपर वाइंडर है दोस्तों। अभी मैं आपको जो रीपर वाइंडर के ओनर हैं, इसके जो इसे चला रहे हैं, मैं उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा दोस्तों। देखिए भैया जी आ चुके हैं इस पर, अभी मैं थोड़ी बात कराऊंगा। इधर देखो, नमस्कार भैया जी। नमस्ते भैया। भैया अपना नाम? इकराम। इकराम कहाँ के रहने वाले हो भाई साहब? चांदखेड़ी गाँव। चांदखेड़ी गाँव, तो अभी रुक जाओ, स्टार्ट बाद में करियो। तो भैया जैसे हम ये आपका रीपर देख रहे हैं, रीपर वाइंडर, ये दोनों काम करता है गेहूँ कटाई का भी और बंधाई का भी, ठीक है। तो इसकी कीमत की अगर हम बात करें तो इसकी कीमत कितनी है? 360,000 रुपया। तो आपने खरीदी कहाँ से थी भैया? ये डीलर बाजपुर। अच्छा, बाजपुर से खरीदी थी डीलर द्वारा। अच्छा, डीलर द्वारा खरीदी थी। तो जैसा हम देख रहे हैं इसका जो इंजन है वो किस चीज़ से चलता है, पेट्रोल से या डीजल से? डीजल से चलता है। तो डीजल कितना लेता है भैया? घंटे में एक लीटर। घंटे में एक लीटर। और कटाई कितनी करता है? एक एकड़ एक घंटे में। एक एकड़ एक घंटे में। तो भैया अपना मोबाइल नंबर क्या है? 99 27 10 86 94। 99 27 10 86 94। दोस्तों अभी हम फुल जानकारी के साथ किस तरह से ये काम कर रही है देखो भैया, स्टार्ट कर रहे हैं। अभी स्टार्टिंग दिखाते हैं कहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए यहाँ पे इन्होंने ये रस्सी डाल रखी है, ये देखिए दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है ये। किसान साथियों ब्रेक भी हैं, क्लच भी है, गियर भी हैं, ये देखिए गियर पड़ चुका है और ये स्टार्ट हो चुकी है। देखिए किस तरह से काम कर रही है दोस्तों, मैं बिल्कुल नज़दीकी से इस चीज़ को दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों कितनी कुशलता के साथ ये कटाई कर रही है, साथ ही साथ बंडल भी बांध रही है। बंडल जो है ये पीछे को डालती है, देखिए इस तरह से। इसका इंजन है दोस्तों डीजल से चलने वाला है और लगभग 1 से 1.25 लीटर डीजल लेता है। और घंटे में जो कटाई होती है दोस्तों, ये एक एकड़ बता रहे थे लेकिन हम फिर भी कम मानते हैं, थोड़ा 4 से 5 बीघा तो काट ही देगी। अच्छा किसान बंदा बेचारा करे तो करे क्या, मान लो मजदूर मिलता नहीं है। इसमें दोस्तों जो अनाज है गेहूं है उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, केवल जो नुकसान होता है थोड़ा बहुत भूसे का होता है दोस्तों।
केवल डोरों पर तो समस्या आती है, जहाँ गेहूँ गिरा हुआ है थोड़ी समस्या वहाँ आती है, बाकी तो बिल्कुल नॉर्मल कटाई करती है। अभी हम आपको दिखाएंगे दोस्तों आगे, थोड़ी समस्या केवल डोलों पे आ जाती है दोस्तों, डोलों पे तो थोड़ा ऊंचा काटती है। दोस्तों आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो जिला मुरादाबाद यूपी से है। दोस्तों मजदूरों की समस्या काफ़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि जहां मैं इस समय हूं नसीरपुर कुंदर की तहसील बिलारी में पड़ता है दोस्तों, शहर नज़दीक होने की वजह से मजदूरों की समस्या ज़्यादा है, क्योंकि शहर में मज़दूर शहर की तरफ ज़्यादा रुख कर रहा है अपना, खेती किसानी को छोड़कर। दोस्तों बिना खेती किसानी के भी कुछ नहीं है, खेती किसानी ज़रूरी है। देखिए बिल्कुल एकदम बढ़िया कटाई कर रही है किसान साथियों, देखिए बिल्कुल जो आप जैसा देख रहे हैं वीडियो में बिल्कुल लाइन टू लाइन काट रही है, और लाइन टू लाइन ही दोस्तों पुली या बंडल बोल सकते हैं हम गेहूं का, बिल्कुल लाइनिंग में डाल रही है। जिस तरह से दोस्तों मजदूर काटते हैं, कहीं कहीं मजदूर तो एक साइड को बाल करके कटिंग करते हैं दोस्तों, और कहीं कहीं पर एक साइड को बाली रहती है। यहाँ भी बाल जो है गेहूं की एक साइड है दोस्तों। मेरे हिसाब से तो किसान भाइयों काफ़ी अच्छी चीज़ है ये भाई, जब मज़दूर नहीं मिलते तो क्या किया जाए, केवल मशीन का ही सहारा हमें लेना पड़ेगा। जो काम दोस्तों 20 मजदूर एक घंटे के अंदर नहीं कर सकते, वो एक मशीन केवल 1.25 लीटर डीजल खाकर, यानी कि हम 90 या 100 रुपये में लगभग 4 से 5 बीघा गेहूं की कटाई इस मशीन के द्वारा कर सकते हैं। कीमत थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों ये ब्लॉक स्तर पर सब्सिडी पर भी उपलब्ध हैं, अगर संपर्क किया जाए, किसान हमारा थोड़ा जागरूक हो तो दोस्तों वो सब्सिडी का भी लाभ ले सकता है। देखिए दोस्तों जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, दूर दूर तक जो खेत हमें दिखाई दे रहा है ये इसी मशीन के द्वारा काटा हुआ है। केवल एक आदमी 20 मजदूरों का काम बड़ी आसानी के साथ कुशलता पूर्वक कर रहा है। दोस्तों सबसे बड़ी जो बात हम कह सकते हैं, आदमी जो भी व्यक्ति इस मशीन को चलाएगा ऑपरेट करेगा वो थकेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस पर इस तरह की सीट बनी हुई है दोस्तों कि जो ऑपरेटर है वो इस मशीन पर बैठ जाएगा, कुर्सी है बाकायदे। और दोस्तों पैरों में इसका हैंडल समझो आप, पैरों के द्वारा ही इधर उधर मुड़ाने का काम, और दोस्तों बैक गियर भी है इसके अंदर। देखिए कहीं कहीं समस्या आ जाती है किसान भाइयों, जहाँ लांह गीला होता है वहाँ समस्या उत्पन्न हो जाती है थोड़ी सी। ये देखिए कितनी बढ़िया सीट है ट्रैक्टर की तरह। समिति डिलारी, ये दोस्तों टाणा बाजपुर साइड की है, और यहाँ नसीरपुर कुंदरकी में चल रही है। किसान साथियों देखिए काफ़ी अच्छा काम कर रही है मशीन,
किसान साथियों, अगर थोड़ा नाख नरम ना हो के थोड़ा खैरा अगर हो जाए तो और अच्छे से इसकी कटिंग मशीन करेगी। फिर भी देखिए ज़्यादा ऊंचा कटाई नहीं कर रही है मशीन, केवल आधा एक इंची ऊपर से काट रही है जो आम मजदूर काटते हैं। बाकी अपनी अपनी सोच है किसान भाइयों, जैसा जिसे अच्छा लगता है उसी तरह से कार्य कराते हैं हमारे किसान भाई। ये देखिए साथियों, देखिए ड्राइवर के बैठने की व्यवस्था कितनी अच्छी है, नहीं तो ड्राइवर तो बेचारा परेशान होके मशीन को छोड़ देता, लेकिन देखिए कितने अच्छे से, ये देखिए बिल्कुल आराम पोजीशन में। किसान साथियों, जहाँ मोड़ होता है, घूम होता है, जहाँ मशीन को घुमाया जाता है वहाँ थोड़ी समस्या आती है, थोड़ा ऊंचा कटिंग कर दिया। ये देखिए बिल्कुल एक पहिए पे मशीन को घुमा दिया है, ये देखिए फिर स्टार्ट। देखिए साथियों, काफ़ी बड़ा खेत था, लगभग इस खेत को 1.25 से 1.5 घंटा लगा है कटिंग में। किसान साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो खेती किसानी से जुड़ी, ट्रैक्टर बाज़ार से संबंधित, कृषि यंत्रों से संबंधित आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।